देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में चेन लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब राह चलती महिलाओं को निशाना बनाने से भी वो नहीं चूक रहे हैं। ऐसी घटना इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक महिला को चेन लुटेरे ने निशाना बनाया है। महिला अपने घर जा रही थी तभी बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया और चेन झपट कर भाग निकला। दरअसल जूनी इंदौर थाने में फरियादी रिया मोटवानी निवासी लाड़काना नगर की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने बताया कि वो शिवजी के मंदिर के पास सिंधी कॉलोनी गली नंबर 2 से अपने घर की ओर जा रही थी तभी बाइक सवार एक लड़के ने पीछे से धक्का दिया। वो नीचे गिरी तो बदमाश ने उनके गले से चेन झपटी और भाग निकला। बदमाश हरे कलर की जैकेट पहना हुआ था। उन्होंने शोर मचाया लेकिन तब तक बदमाश भाग निकला था। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। आज कल दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास सिंधी कॉलोनी गली नंबर 2 में जिया मोटवानी निवासी लड़काना नगर की आ रही थी पैदल, पीछे से एक आरोपी बदमाश मोटरसाइकिल से आया और उनकी चेन लूट के गया है। इसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और चेकिंग की जा रही है। हाँ, कुछ CCTV फुटेज प्राप्त हुए हैं और आज बाकी कोशिश की जा रही है कि जल्दी आइडेंटिफाइड करके आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। एक एक व्यक्ति है उसमें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।